अरमान के हाथों आई बड़ी पावर, किया आखिर किस किस को नॉमिनेट। कटारिया, विशाल, सना मकबूल नहीं है खुश अरमान के डिसीजन से। जी हाँ, अरमान जो कि फ़िलहाल हेड ऑफ़ द हाउस हैं, उन्होंने लिया है बहुत बड़ा फ़ैसला। क्या कुछ हुआ है बिग बॉस OTT सीज़न 3 के घर में, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ में। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस OTT सीज़न 3, अरमान मलिक बन चुके हैं हेड ऑफ़ द हाउस, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब घर में ज़्यादातर डिसीज़न घर वाले ही लेंगे और बाहर वालों का बहुत कम हाथ होने वाला है। जी हाँ, ये बात बिग बॉस ने अनाउंस कर दी है। जिसके बाद आज था नॉमिनेशन टास्क, जहां पर अरमान मलिक यानी कि हेड ऑफ़ द हाउस को बहुत बड़ी पावर मिलती है कि आप किसी भी 4 सदस्य को नॉमिनेट करेंगे और फिर कुल 6 लोग नॉमिनेट हो जाएंगे, जिसमें अरमान मलिक और अदनान इंक्लूडेड है। जिसके बाद अरमान मलिक को कुछ टाइम दिया गया कि वो जाएं और कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करके आएं। तो अब वो नाम सामने आ चुका है जिसे अरमान मलिक ने किया है नॉमिनेट। जी हाँ, लाइव फीड की माने तो अरमान मलिक ने कटारिया, विशाल पांडे, सना मकबूल और सना सुल्तान को नॉमिनेट किया है, ये कहते हुए कि घर में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें वापस घर ही क्यों ना भेज दूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल ही सना मकबूल और विशाल पांडे इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो रेडी थे कि घर में खाना ना आए, लेकिन अरमान को हेड ऑफ़ द हाउस नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बायस्ड होने वाले हैं। और कुछ वैसा ही किया है अरमान ने इन चारों को नॉमिनेट कर दिया है, जिसके बाद कुल 6 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं, जिनमें अरमान मलिक, अदनान, विशाल पांडे, लव कटारिया और सना सुल्तान हैं। वहीं अभी ब्लाइंड फोल्ड्स हैं तो हो सकता है घर में कोई ना कोई टास्क भी हो। आपको क्या लगता है, क्या अरमान ने लिया सही डिसीजन? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।